जी हमारे यूट्यूब चैनल सुखराज मशीनरी, नानकना मशीनरी, अनमोल मशीनरी, गुरकीरत मशीनरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक नया बिजनेस जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये सीएनसी रोटर मशीन है। सीएनसी रोटर मशीन ये है कि इसमें डिजाइन जो है इजीली बन जाते हैं, कोई भी डिजाइन है। इसमें हर टाइप का ऑल इन वन मशीन है। ऑल इन वन का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट पे आप डिजाइन बना सकते हो। हर कोई भी प्रोडक्ट है, आप लकड़ी हो, चाहे स्टील हो, लोहा हो, अल्युमिनियम हो, कॉपर हो, या कोई आपका मार्बल हो, या ग्रेनाइट हो, कोई भी डिजाइन है ना आपका, कोई भी मेटल है, हर मेटल के ऊपर आप डिजाइन बना सकते हो और उसका मतलब अच्छी खासी आप कमाई कर सकते हो। और ये बिजनेस का स्टार्ट करना बहुत ईजीली है। ये घर में आप मशीन लगा सकते हो या कोई शॉप में लगा सकते हो। इसमें ज़्यादा कोई जगह की भी ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, बिजली की भी ज़्यादा कोई है नहीं है। घर की लाइट में चल जाती है, थ्री फेस में भी चल जाती है। और ये एक रूम जो है 10x10 का रूम है, उसमें आप काम स्टार्ट कर सकते हो। 10x10 का एक घर में रूम होता है, उसमें स्टार्ट कर सकते हो। बाकी ये मशीन जो है बहुत ईजिली है, चलाना बहुत सौखा है, आदमी 2-3 दिन में सीख जाता है काम। बाकी जो डिजाइन है इसमें, हर टाइप का डिजाइन, ऑल इन वन जो डिजाइन है, सभी हर टाइप का डिजाइन बन जाता है। ये दोस्तों, ये आजकल बिजनेस में कोई भी बिजनेस है उसमें डिजाइन की ही वैल्यू है। कोई भी डिजाइन है, हर टाइप का डिजाइन किसी ना किसी मार्केट में, डिजाइन में हर कोई मशीनरी है, कोई घर है, कोई मॉल है, या कुछ भी आपका फर्नीचर है। फर्नीचर की हमारे देश में बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मंडी है इसकी हमारे देश में, इंडिया में। इस मशीन में लगा के फर्नीचर की कोई भी डिजाइन बना सकते हो और ख़ुद फर्नीचर भी बना सकते हो। उसमें जो डिजाइनिंग है, हर तरह की फर्नीचर का अलग अलग डिजाइन, नए नए लेटेस्ट डिजाइन हर बना सकते हो। गेट ग्रिल है, गेट है, आपके बारियाँ हैं, खिड़कियाँ हैं, घर के दरवाजे, मेन दरवाज़ा है, कुछ अंदर घर के अंदर हर चीज़ जो आर्किटेक्ट आज हर रूम में कोई ना कोई डिजाइनिंग देते हैं। कोई रूम में जो भी डिजाइनिंग करना है, गेट में या कहीं भी करना है, हर डिजाइनिंग इसमें हो जाता है। कस्टमर खुद अपना मटेरियल लेके आता है और आप उसको के ऊपर प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज कर सकते हो या स्क्वेयर फुट से भी चार्ज करते हैं। मटेरियल के हिसाब से कौन सा मटेरियल है उसी हिसाब से चार्ज करते हैं। 2000 रुपये प्रति घंटे से लेके आप 4000 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज कर सकते हो, या स्क्वेयर फुट के हिसाब से भी आप उसका निकाल के उसके अंदाजन इतना पैसा लूँगा एक शीट का, वो भी आप ले सकते हो। बाकी ये काम करना बहुत ईजीली है। ये बाकी ये मैं बता रहा हूँ कि इसमें मतलब जो टूल है या कुछ भी है, टूल भी सारे हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें 25 टाइप का टूल है। इसमें मशीन हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें 8 इंच का पाइप लगा हुआ है, 10 mm की पाइप हमने लगाया हुआ है। उसमें जो गाइड है, ये देखिए मैं साथ साथ में अब जो डिजाइन है, वीडियो है, साथ साथ में दिखा रहा हूँ, उसमें भी देखते जाओ। जो भी डिजाइन बनेगा वो भी मैं दिखा रहा हूँ, कितने कितने डिजाइन, कौन सी मेटल के कितना डिजाइन बन रहा है, वो भी आपको दिखा रहा हूँ मैं सारा कुछ। इसमें जो गाइड है ऊपर, लाइनर गाइड वे है, वो हाईवन का 20 mm का हमने वो भी लगाया हुआ है। और इसमें जो स्पिंडल है, वो मतलब जो स्पिंडल है वो जापानी है और जापान का है, और जो हाईवन गाइडवे है वो जर्मन की है, पूरी जर्मनी है। बहुत बढ़िया मटेरियल, गाइड जो गाइडवे है या स्पिंडल है वो बहुत बढ़िया कंपनी का अच्छा लगा हुआ है। और ये सिंगल फेस में भी स्पिंडल चल जाता है और थ्री फेस में भी चल जाता है। आप जो भी मशीन लेना चाहो पहले बता दो, सिंगल फेस लेनी है या थ्री फेस लेनी है, वो ही डिजाइन हम करके दे देते हैं। बाकी इस मशीन में जो डिजाइन है, मतलब डिजाइन की ही वैल्यू है। पहले जो डिजाइन बनते थे, पहले हाथ से बनाते थे कारीगर जो है, हाथ से उसमें बहुत सारी लेबर पड़ती थी, बहुत कॉस्टली पड़ते थे डिजाइन जो हाथ से बनाते थे। फर्नीचर में डिजाइन, कोई भी डिजाइन हाथ से कारागरी से बनाते थे। अभी ये सारा डिजाइन जो है वो मशीनरी से हो जाता है, सीएनसी रोटर से हो जाता है। कोई भी डिजाइन बहुत ईजिली कम टाइम में वो बन जाता है। इसमें जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी हम देते हैं साथ में। आप कंप्यूटर में कोई भी डिजाइन निकालो, वो डिजाइन पेन ड्राइव में डालो, वो मशीन में पेन ड्राइव लगाओ, वही डिजाइन मशीन जो है कंप्यूटर में, वही डिजाइन जो है सीएनसी रोटर में आपका, वही डिजाइन बन जाएगा। आप कस्टमर जो भी डिजाइन बोलता है, कोई भी डिजाइन कस्टमर लेके आता है, मेरा ये डिजाइन चाहिए, वो चाहिए, वो सारा कुछ बन जाता है। और MDF बोर्ड है, कुछ भी है, वो जो सीढ़ियों के बाहर MDF बोर्ड लगता है, घर के बाहर बहुत सारे डिजाइन
MDF बोर्ड के लगते हैं, और जो मतलब गेटों के ऊपर ये स्टेनलेस स्टील की चादरें लगती है, कुछ कॉपर की है, ग्रेनाइट के घर के बाहर जो ग्रेनाइट में पत्थर में आपका नाम एड्रेस लिखा होता है, नीम प्लेट लगती है घर के बाहर पत्थर में, वो भी बन जाती है। बहुत सारे हर टाइप का जो भी दुनिया का डिजाइन है, इंडिया में कोई भी डिजाइन है, वो हर टाइप का डिजाइन आपका बन जाना है इसमें, और अच्छी खासी कमाई इसमें बन जानी है। मैं इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है उसके बारे में बता रहा हूँ अभी मैं कि इसमें कितना मुनाफा आप कमा सकते हो। ये मशीन का बहुत अच्छा बढ़िया काम है, इसमें बहुत ज़्यादा मशीना नहीं लगी हुई है, कम मशीनें मार्केट में अभी लगी हुई है। जो लोगों ने पहले लगाई हुई है 24-24 घंटे मशीनें चला रहे हैं, और ये आप पहले लगा लोगे तो अच्छा खासा बिजनेस ये चल जाता है, मतलब बहुत कम मशीनें लगी हैं, आप 12-14 घंटे 16 घंटे चला के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लोगे, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत कम मशीनें लगी हुई है। पहले मशीन लगाओगे तो पहले आप खासा आपका बिजनेस बहुत जल्दी चल जाएगा। और इसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं अभी, ये देखिए कि जेकर आप, मैं मिनिमम कम से कम बता रहा हूँ, जब आपकी डेली मशीन पहले लिया आपने, आप अभी आपकी मार्केट अभी कम है, डेली आप 5 घंटे मशीन चला रहे हो, 2000 रुपया पर घंटे के हिसाब से आप इसका चार्ज मान लो मैं कर रहा हूँ, डेली आपका 5 घंटे मशीन चलाया 10000 रुपया डेली आ गया आपका, 10000 डेली का मतलब कि महीने का 3 लाख रुपया आपने कमा लिया। उसमें एक आपने लेबर रखा है कि आदमी के लेबर चाहिए, और बिजली का खर्चा, और कोई खर्चा नहीं इसमें, इसमें लेबर है मान लो बिजली लेबर जो है आपका 12-13 हज़ार रुपया 15 हज़ार रुपये में बढ़िया स्किल्ड आदमी मिल जाता है। मान लो 12-13 हज़ार रुपये आदमी ले रहा है, 5000 रुपया बिजली का लगा लो, 18000 रुपया महीने का खर्चा आएगा। आप ये 2000 रुपया 10000 डेली कमा रहे थे, 3 लाख महीने का हो गया, उसमें 20000 रुपया निकाल दो उसका लेबर का और बिजली का, और 20000 निकाल दिया तो कम से कम 280000 रुपया आपने अर्निंग कर लिया। कोई मतलब ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है काम। उसके आगे जेकर आप मशीन जो 8 घंटे चलाते हो, जेकर ये देखो दोस्तों मैं अभी बता रहा हूँ कि जेकर मशीन पहले 5 घंटे की मैं कैलकुलेशन बताया, अभी मैं 8 घंटे की बता रहा हूँ। ये 8 घंटे जेकर डेली मशीन चलाते हो तो 8 घंटे का मतलब है कि जेकर आप 2000 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से ले रहे हो तो 8 घंटे में आपका डेली 16000 रुपया हो गया। 16000 का मतलब है कि महीने का आपका 480000 रुपया अर्निंग कर लिया। उसमें बिजली खर्चा जो भी डाल के 20000-25000 निकाल दो, 30000 भी निकाल लो, फिर भी आपका 4.5 लाख रुपया आपने अर्निंग कर लिया। ये इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा दोस्तों मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये देखिए कस्टमर ने मटेरियल अपना लेके आना है, मटेरियल उसने वापस ले जाना है, अपने लेबर लेनी है। जेकर जो मतलब बहुत सारे लोगों ने मशीन लगाई हुई है, बोल रहे हैं कि इतना काम है कि हम 24-24 घंटे मशीनें चला रहे हैं, जिसने एक मशीन लगाया उसने और हमको ऑर्डर दे दिया, 2-2, 3-3 मशीनें लगा ली उन्होंने। ये अब जेकर 12 घंटे मशीन चलाते हो तो मैं उसकी कैलकुलेशन बता रहा हूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये देखो 12 घंटे चला रहे हो तो ये आप ये 2000 रुपया प्रति घंटे का है, और डेली आपका 24000 हो गया, और महीने का ये आपका 7,20,000 रुपया हो जाता है। 7,20,000 में से ये बिजली लेबर आप निकाल लो, 30000-35000-40000 भी निकाल दो तो फिर भी आप तकरीबन ये देखो 6.5-7 लाख रुपया ईजिली महीने का कमा रहे हो। मतलब अच्छा खासा बिजनेस है। मशीन का जो पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 2-4-6 महीने में आपकी मशीन फ्री हो जाती है। 2-4 महीने में आप मतलब उसमें अच्छा खासा बिजनेस करके अच्छा खासा प्रॉफिट जोड़ा आप कमा सकते हो। ये अच्छा बिजनेस है। ये दोस्तों हमारी वीडियो जो है आप देखते रहा करो, और आगे जो है शेयर करते रहा करो। आगे जो भी आपके पास जो व्हाट्सएप में जो आपका है उसमें आगे व्हाट्सएप में आपके दोस्त है, फ्रेंड है, उसको भेजते रहा करो, क्योंकि उसमें आगे जो भेजोगे किसी ना किसी को बिजनेस का पता चलेगा, और कोई ना कोई आदमी बिजनेस करेगा तो उसका भला ही होएगा। दोस्तों ये मैं जो बता रहा था आपको, ये तो मैं कैलकुलेशन आपको बता दिया सारा कुछ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो थी जो कि मार्केट में आप उसमें अपना लेके आएगा मटेरियल, उसमें डिजाइनिंग कर दिया या कुछ और है, खुद अपना भी जो प्रोडक्ट बना सकते हो। इसमें ऐसा है कि खुद अपना मटेरियल लेके वो कोई भी डिजाइनिंग करके कस्टमर आता है वो रेडीमेड लेके भी चला जाता है, जो डिजाइनिंग बना होता है वो भी है। लेकिन आज के युग में ये देखो इंडिया में बहुत सारा फर्नीचर का बड़ी मार्केट है, और बहुत सारा फर्नीचर इधर बन के एक्सपोर्ट होता है, बहुत फर्नीचर इधर एक्सपोर्ट हो रहा है आजकल। एक्सपोर्ट में देखो आप आजकल स्टील का फर्नीचर बन रहा है, कुछ और बन रहा है, कुछ गोल्डन कलर का है, कुछ है, बहुत सारे डिजाइन आजकल आ गए हैं।
टेबल बन रहा है, सोफे बन रहे हैं, बेड बन रहे हैं, कुछ और बहुत सारा जो डिजाइनिंग आप दो चार मशीनें ऐड ऑन करके और उसमें फर्नीचर की बहुत सारी आइटमें बना सकते हो, बहुत सारी आइटम बना सकते हो, झूमर बना सकते हो, कुछ और बना सकते हो, कुछ बहुत सारा सामान जो है इसमें डिजाइन कर सकते हो, वो बना के अपनी प्रोडक्ट बना के भी आप सेल कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री है आजकल, एक्सपोर्ट वाली फैक्ट्री ने ये मशीनें लगा ली है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं फर्नीचर बना के, कुछ और बहुत सारा मटेरियल जो है इसमें बन जाता है, जो इसमें कई टाइप का जो डिजाइन है, कई आइटम है, कई प्रोडक्ट है, इसमें डिजाइनिंग करके बना के आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और इंडिया में भी बेच सकते हो, और ये अच्छा खासा बिजनेस है। और हमारी वीडियो जो है ये शुरू से लेके आखिर तक देखा करो, और जो आपके व्हाट्सएप में कोई भी ग्रुप है आगे उसमें शेयर करते रहा करो, और शेयर करोगे तो हमारी वीडियो के कुछ व्यू भी जाएंगे, और हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइबर कराओ और लाइक करो, उसमें सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जो हमारी वीडियो है उसके अंत तक देखा करो, और आपको नई नई वीडियो जो आती है उसकी, नए नए बिजनेस जो आता है उसकी जानकारी हम देते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक्स। दोस्तों आपको इस बिजनेस से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।